सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमसी अल्ताफ भाई के बारे में। तो एमसी अल्ताफ भाई का आज बर्थडे है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन का एमसी अल्ताफ भाई को। और भाई एक फोटो लगाते हुए लिखे थे न्यू सॉन्ग कमिंग सून, तो लगता है एमसी अल्ताफ भाई का बहुत जल्दी एक नया ट्रैक आने वाला है। तो कोई भी अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों तक ऐसा डेली हिप हॉप का अपडेट जाते रहे। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे रश्मित कौर के बारे में। तो आप लोग जानते हो रश्मित कौर कलम कर छोड़ चुका है और सारे आर्टिस्ट को अनफॉलो कर दिया है। तो रश्मित कौर का एक रिसेंट इंटरव्यू आया है जिधर वो रफ्तार भाई, कृष्णा भाई, कर्मा भाई के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोग देख लो। कई हफ्तों में, सालों में, महीनों में हमने आपको रैपर्स के साथ में काम करते हुए देखा है, बट आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वो फॉलोइंग वाले उसमें सेक्शन में जाएगा, आप किसी भी रैपर को फॉलो नहीं कर रहे हो। कंट्रोवर्सी है? नहीं, सीरियसली, लाइक आपके ट्रैक्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में ट्रैक्स हैं, बट आप किसी को फॉलो नहीं करते हो। वो करते हैं मेरे को। वो भी नहीं करते। I was just checking my this thing about my profile that I think I'm the most collaborated artist, female artist in the desi hip hop scene. जी. Like I've collaborated with a lot of people, Raftar, Krishna, Karma. And a lot of people, सीधे मौत के साथ भी गया था, बट वो भी आता रहेगा सब, धीरे धीरे आएगा सब। सो आई collaborated with a lot of electronic artists and in the hip hop scene. And I follow them. Who said I don't follow? It's everything is, it can't be seen on Instagram and can be judged through Instagram about a person. तो पूरा इंटरव्यू का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। तो अभी हम लोग बात करेंगे रफ्तार भाई के बारे में। तो आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि कर्मा भाई का एक नया ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है पॉम्फ्रेट फ्राई। तो उसी को अपने स्टोरी पे डालते हुए रफ्तार भाई लिखे थे कर्मा दल एकाक वो वे मस्त गर्म तेल में फ्राई करके खाएगा। तो लगता है ये जो ट्रैक है एमयू भाई के लिए डिस्ट्रैक होने वाला है, तो आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में बताना। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे कर्मा भाई के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो कर्मा भाई का एक इंटरव्यू आने वाला है रोलिंग स्टोन इंडिया पे, जिसका एक प्रोमोटाइप वीडियो आया हुआ है, तो जिसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में तो इतने ही, मिलते हैं आप लोगों से और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।